क्लास 10 के बच्चों को पास होने के लिए चाहिए 13 नंबर या फिर चाहिए उन्हें 27 नंबर। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों पूरी कंप्लीट जो है पासिंग क्राइटेरिया को समझेंगे और आपके अंदर दोस्तों जितने भी डाउट हैं 13 नंबर और 26 नंबर को लेकर 27 नंबर को लेकर सारे के सारे डाउट को यहां पे क्लियर करेंगे, प्रूफ के साथ क्लियर करेंगे। एक एक चीजों का दोस्तों बकायदा मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा ताकि दोस्तों यहां पे सब कुछ जो है पासिंग क्राइटेरिया को लेकर आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे और पूरी पासिंग क्राइटेरिया को दोस्तों आप लोग के सामने ट्रांसपेरेंट करेंगे ताकि एवरी 10 के बच्चों को 12 के बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आए कि एक्चुअली दोस्तों उनका पासिंग क्राइटेरिया क्या है। अगर किसी बच्चे का थ्योरी का पेपर खराब चला जाता है तो क्या वो फेल हो जाएगा या फिर टीचर्स के नंबर उसको पास करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे, तो सारी चीजों को दोस्तों आज की इस वीडियो में अच्छी तरीके से समझेंगे। आप लोग दोस्तों मेरे साथ साथ जो है स्क्रीन पे पीछे देखिए सीबीएसई बोर्ड का दोस्तों 2023 का पासिंग रूल क्या है। तो सबसे पहले शॉर्ट वर्ड में हम जल्दी से पासिंग रूल को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके प्रूफ को देखेंगे। सबसे पहले क्लास 10 के बच्चों का या 12 के बच्चों का पासिंग रूल को जाने, तो सबसे पहले आप लोग यहां पे देखेंगे क्लास 10 के बच्चों को 100 में से 33 नंबर चाहिए। एक अच्छी बात दोस्तों यहां पर यह है कि क्लास 10 के बच्चों को कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग को जो है अलग से थ्योरी में आपको पास होना ही पड़ेगा और आपको प्रैक्टिकल जो आपका इंटर असेसमेंट है वहां पर आपको पास होना ही पड़ेगा। आप लोग को दोस्तों टोटल जो है किसी भी तरीके से आपके जो है यहाँ पे कंबाइंड में दोस्तों आपके यहाँ पे 33 नंबर होने चाहिए पास होने के लिए। कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि आप लोग के दोस्तों यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाए, उसके बाद दोस्तों प्रूफ को भी यहाँ पे साथ के साथ आपको लगे हाथ दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों क्लास 10 के बच्चों को 33 नंबर किस तरीके से कंप्लीट होने चाहिए ये समझिए। क्लास 10 के बच्चों को पास होने के लिए दोस्तों 33 नंबर आपको कंबाइंड चाहिए। इसका मतलब अगर किसी बच्चे का जो है थ्योरी का पेपर खराब चला जाता है और उस बच्चे के दोस्तों 80 में से 13 नंबर आ जाते हैं तो उस केस में भी दोस्तों वो बच्चा पास होगा। ये क्लास 10 के बच्चों को यहाँ पे एक अच्छी खबर है। कैसे पास होगा? तो कंबाइन का दोस्तों फायदा यही है कि टीचर्स अगर आपको यहाँ पे दोस्तों यानी टीचर्स आपको 20 में से अगर 20 दे देते हैं और आपके दोस्तों बोर्ड में 13 नंबर आ जाता है और दोनों को जोड़कर दोस्तों आपके 33 नंबर हो जाते हैं तो आप यहाँ पे पास माने जाएंगे। लेकिन काफी सारे बच्चों का दोस्तों यहाँ पे डाउट है जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं स्पेशली बनाया हूँ। आप लोग के दोस्तों डाउट है कि मेरे टीचर्स ये कह रहे हैं कि क्लास 10 के बच्चों को कि आप जो है जब तक बोर्ड एग्जाम में पास नहीं होंगे 18 में से यानी 80 में से यहां पे जब तक 27 नंबर नहीं लाएंगे तब तक जो है आपके टीचर्स के नंबर जोड़े नहीं जाएंगे। तो इसमें कितनी सच्चाई है, आपके टीचर्स कितना ज्यादा सही कर रहे हैं, इसको लेकर दोस्तों मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा, मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। आप लोग देखिए ये रिजल्ट देखिए और आप लोग जो है यहाँ पे सबसे पहले जो है आप लोग ये बताइए कि ये बच्चा पास है या फिर फेल है। इसका यहाँ पे दोस्तों नंबर देखिए, स्पेशली जो है यहाँ पे मैथ में इसके नंबर देखिए, केवल 21 नंबर है इसके थ्योरी में 80 में से। अब आप लोग ये बताइए क्या ये बच्चा पास है या फिर फेल है। और साथ ही साथ दोस्तों उसके नीचे वाला भी सब्जेक्ट देखिए, वहां पे केवल 25 नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पर यानी दो सब्जेक्ट में इस बच्चे के जो है 27 नंबर से कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये बच्चा तो फेल हो जाना चाहिए। अगर आपकी टीचर्स की हम बात माने तो ये बच्चा तो फेल हो जाना चाहिए, लेकिन ये गलत है दोस्तों। मैं आपको पूरा रिजल्ट दिखाऊंगा। अब आप लोग पूरा रिजल्ट देखिए तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये बच्चा दोस्तों पास है। पास क्यों है तो ये भी देखिए, पास इसलिए है दोस्तों क्योंकि इसके 21 नंबर मैथ में जरूर है लेकिन टीचर्स ने दोस्तों इसको 18 दे रखा है और यहाँ पे दोस्तों टोटल जोड़कर इसके 33 से ज्यादा नंबर हो रहे हैं, इसलिए दोस्तों ये पास है। और पासिंग रूल भी तो यही कह रहा है कि आपको टीचर्स के नंबर और आपके बोर्ड के नंबर मिलाकर आपके 33 नंबर होंगे तो आप पास होंगे। कोई मतलब नहीं है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कितना नंबर आ रहा है, कोई मतलब नहीं है कि टीचर्स आपको कितना दे रहे हैं, इससे सीबीएसई बोर्ड को मतलब नहीं है। सीबीएसई बोर्ड को मतलब ये है कि आप लोग किसी भी तरीके से बस जो है 33 नंबर लेके आ जाइए, टीचर्स के नंबर जोड़कर और अपने बोर्ड के नंबर जोड़ के ले आइए या खुद अकेले ही 33 नंबर लेके आ जाइए, टीचर्स के नंबर के भरोसे मत रहिए। तो किसी भी तरीके से आप लोग के बस 33 नंबर चाहिए। आप लोग लाइव रिजल्ट देख सकते हैं दोस्तों, इससे बेटर आप लोगों को कोई एग्जांपल नहीं दूंगा। अब आप लोग दोस्तों ये भी जान लीजिए कि टीचर्स ऐसा क्यों कह रहे हैं, आखिर कोई तो रीजन होगा दोस्तों, कोई ना कोई तो रीजन है जिसके कारण टीचर्स ऐसा कह रहे हैं कि आप थ्योरी में अलग से पास होइए तभी आपके यहाँ पे हम अपने नंबर को जोड़ेंगे, यानी कि आप लोग इंटर असेसमेंट के नंबर तभी हम जोड़ेंगे जब आप थ्योरी में पास होकर आएंगे। तो कोई तो रीजन होगा दोस्तों इसके पीछे कहने का। तो इसके पीछे कहने का दोस्तों दो रीजन है। पहला रीजन दोस्तों आप लोग के लिए है और दूसरा रीजन दोस्तों आपके स्कूल के लिए है। पहले हम स्कूल वाला रीजन जान लेते हैं। टीचर्स दोस्तों आपको इसलिए कह रहे हैं ताकि दोस्तों कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि उसका रिजल्ट खराब हो, इसलिए बच्चों को डराते हैं ताकि बच्चे जो है ज्यादा से ज्यादा नंबर लेके आए और सभी बच्चे पास हो।
और उनका स्कूल का रिजल्ट बेटर हो, यानी कि सभी बच्चे पास हो। कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि उसके स्कूल के जो है सारे बच्चे फेल हो जाएं या उसके स्कूल में जो है काफी सारे क्लास में बच्चे फेल हो जाएं। इससे दोस्तों और आगे जो उनका नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे कोई एडमिशन नहीं कराएगा। तो स्कूल अपना 100% पास परसेंटेज को बढ़ाने के लिए दोस्तों यहां पे बच्चों को डराते हैं ताकि बच्चे और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा मेहनत करें। चाहे कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, या कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, बोर्ड हो या जेईई नीट, पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को क्लियर करिए किसी भी समय इन जस्ट 3 स्टेप्स। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके फिलो ऐप को इंस्टॉल करना होगा, मोबाइल नंबर से साइन अप करना होगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उस क्वेश्चंस की फोटो खींचकर या फिर टाइप करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के जस्ट 60 सेकंड के अंदर फिलो आपको कनेक्ट कर देगा इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स के साथ। तो प्यारे बच्चों जाइए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहां से अपने डाउट को आउट कीजिए और वो अपने दम पर पास हो, टीचर्स के नंबर के दम पे पास नहीं हो। अब साथ ही साथ दोस्तों दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन ये भी है दोस्तों कि टीचर्स आपको इसलिए कह रहे हैं कि आप खुद से जो है पास होकर आइए, यानी कि 26 नंबर लेके आ जाइए, ताकि दोस्तों आप जो है उनके नंबर पे डिपेंड न रहे। यानी आप लोग यहां पे लाइव रीजन देख सकते हैं, अगर आप जो है टीचर्स के नंबर के भरोसे रहते हैं, आपको ये मिलता है, यानी आप बोर्ड एग्जाम में 13 नंबर का लिख के आ जाते हैं और आप ये मन में यहां पे सोच लेते हैं कि टीचर्स मुझे 20 दे देंगे, लेकिन दोस्तों अगर टीचर्स ने आपको 20 नहीं दिया तो आप तो फेल हो जाएंगे ना। तो यही कारण है कि टीचर्स आपको दोस्तों यहां पे बता रहे हैं कि आप जो है मेरे नंबर के भरोसे मत रहिए, मैं तुम्हें जो है 20 भी दे सकता हूं, 19 भी दे सकता हूं, 18 भी दे सकता हूं, 17 भी दे सकता हूं, 15 भी दे सकता हूं, अगर और भी तुम्हारा परफॉर्मेंस खराब हुआ तो मैं तुम्हें 14 या 13 भी दे सकता हूं। तो ये ध्यान रखिए, अगर दोस्तों आपको टीचर्स ने यहां पे 13 नंबर दे दिया तो आप लोग सोच सकते हैं आपको यहां पे कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो खुद जोड़ लीजिए दोस्तों, अगर टीचर्स ने आपको 13 नंबर दिया तो यहां पे दोस्तों आपको टोटल जो है 20 नंबर बोर्ड एग्जाम में लाना पड़ेगा। तो टीचर्स के नंबर पे दोस्तों आप भरोसे ना रहें, टीचर्स के नंबर पे आप डिपेंड ना रहें। यही कारण है दोस्तों कि आपको टीचर्स यहां पे डरा रहे हैं कि आप थ्योरी में दोस्तों अलग से पास होकर आइए ताकि आप अपने दम पे पास होइए। टीचर्स का मेन मोटिव दोस्तों कहने का यह है कि आप अपने दम पे पास होकर आइए बोर्ड एग्जाम में, मेरे नंबर के भरोसे मत रहिए। अब दोस्तों क्लास 12 का भी पासिंग क्रिटेरिया को जान लेते हैं, क्योंकि 12 के बच्चे भी समझना चाह रहे हैं कि उनका पासिंग क्रिटेरिया क्या है। क्लास 12 को दोस्तों पास होने के लिए 80 में से उनको मिनिमम जो है यहां पे 27 नंबर लाना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में दोस्तों उन्हें पास होने के लिए मिनिमम 30 में से उनके 10 नंबर होने चाहिए। यहां पे दोस्तों आपके टीचर्स दो नंबर दे रहे हैं 20 में से, आपको 20 में से कम आपको 7 नंबर देंगे तभी आप जो है इंटरनल असेसमेंट में पास होंगे। 70 नंबर का अगर आपका कोई पेपर है दोस्तों वहां पे आपके मिनिमम जो है 23 नंबर आएंगे तभी दोस्तों आप पास होंगे। कंडीशन यहां पर यह है कि 23 की जगह अगर दोस्तों आपके टीचर्स ने 22 भी दे दिए बोर्ड एग्जाम में तो आप फेल हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा क्लास 12 का पासिंग क्राइटेरिया बहुत ही ज्यादा हार्ड है दोस्तों, आपको पास होना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, आपको अलग से थ्योरी में पास होना है, आपको अलग से प्रैक्टिकल में पास होना है। 23 अगर पासिंग क्राइटेरिया यहां पे लिखा हुआ है और आप बोर्ड एग्जाम में केवल 22 नंबर का पेपर लिख के आते हैं 70 में से और आपको जो है टीचर्स जो है 22 नंबर देते हैं तो आप फेल हो जाएंगे एक नंबर से। तो ध्यान रखिएगा आपको मिनिमम 23 लाना है तो लाना ही है, ये आप लोगों का पासिंग क्राइटेरिया है। आपको अलग से पास होना है, आपको थ्योरी में आपको अलग से पास होना है और प्रैक्टिकल में आपको अलग से पास होना है। आपका दोस्तों टीचर्स के नंबर के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है, टीचर्स के नंबर दोस्तों तभी जुड़ेंगे आप लोग के जब आप बोर्ड एग्जाम में पास होकर आएंगे। आई होप दोस्तों अब मुझे नहीं लगता अब आपके अंदर पासिंग क्राइटेरिया को लेकर कोई डाउट होगा। 12 का तो पासिंग क्राइटेरिया काफी ईजी है, आपका क्लियर कट है, कोई भी आपको दोस्तों यहां पर कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, आपका क्लियर कट है कितना नंबर आपको लाना है। आपने पूरा देख लिया क्लास 10 के बच्चे, आपके मन में भी सारे डाउट क्लियर होंगे होंगे, मैंने आपको सारी चीजें बता दी टीचर्स आपको क्यों डरा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, मुझे लगता है पासिंग क्राइटेरिया को लेकर अब और ज्यादा जो आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा और नहीं मुझे दोस्तों आगे जो है फिर से पासिंग क्राइटेरिया बताने की जरूरत पड़ेगी। आप लोग के काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे लगता है सभी बच्चों के डाउट्स यहां पे क्लियर हो गए होंगे। डाउट्स क्लियर हो गए होंगे दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन में जो है यस लिखिएगा अगर आप लोग के सारे कंफ्यूजन दूर हो गई है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो नीचे सवाल फिर से लिख दीजिएगा दोस्तों, मैं आप लोग की रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।